हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं टच फॉर हिंदी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने विंडोज़ पीसी को वॉन क्राई जो रैंसमवेयर है, जो अटैक हुआ है, उससे आपके पीसी को बचा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कुछ गाइडेंस कुछ दिए हैं कि कैसे इस अटैक को, वॉन क्राई अटैक को रोक सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया था, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है मेरा, तो इसलिए मुझे ये मेल आया है। आपको भी शायद से आया होगा अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट पर अकाउंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होगा। तो ये देखिए, ये इस तरह का मेल है। तो इनमें देखिए चार मुद्दे मेन हैं। एक तो देखिए, ये इन्होंने विंडोज़ 7 8.1 और विंडोज़ 10 को 10 के लिए मार्च के मंथ में सिक्योरिटी अपडेट जो निकाला था वो आपको अपडेट करना होगा पीसी में। और एक तो एक्टिवेट करना होगा विंडोज़ डिफेंडर को। विंडोज़ डिफेंडर देखने के लिए देखिए, यहाँ पे स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे हम। और ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे विंडोज़। ये देखिए विंडोज़ डिफेंडर, इसे हम अपडेट कर देंगे। इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपडेट का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप विंडोज़ डिफेंडर को अपडेट करिए। कुछ अपडेट्स होंगे। अगर ये अपडेट नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, गूगल पर टाइप करना है विंडोज़ डिफेंडर विंडोज़ 7। ये लाइन आप टाइप कीजिए, तो ये देखिए पहला ही रिजल्ट आएगा, सिक्योरिटी एसेंटियल्स डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट सफर। तो इस पर क्लिक कीजिए एक बार। तो इस तरह का ये पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर नीचे देखिए स्क्रॉल करेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में विंडोज़ 7 32 बिट या विंडोज़ 7 64 बिट, इस तरह से आप डाउनलोड कीजिए। विंडोज़ विस्टा रहेगा, विंडोज़ 7 रहेगा। तो इस तरह से इसे डाउनलोड कर लीजिए, विंडोज़ डिफेंडर, यानी कि सिक्योरिटी एसेंटियल्स भी उसे कहते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंटियल, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, इसी के वजह से वो वायरस जो है वानाक्राई इंस्टॉल नहीं हो पाएगा आपके पीसी में। तो ये देखिए, योर पीसी इज़ बीइंग मॉनिटर एंड प्रोटेक्टेड। तो क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है। और ये देखिए अपडेट, कल मैंने अपडेट किया है यहाँ पे, तो स्कैन भी किया है। तो ये देखिए यहाँ पे अपडेट का बटन है, तो इसमें अपडेट यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर आपका पीसी रिक्स पर होगा पहले, मतलब आप इंस्टॉल करोगे, रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे रेड कलर का मार्क आएगा। तो इसे आप ज़रूर अपडेट कर लीजिए। आपके माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंटियल्स को डाउनलोड कीजिए, विंडोज़ डिफेंडर को मतलब अपडेट करना ना भूलिए। और उसके बाद चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप है, ऑल प्रोग्राम्स में चलते हैं और विंडोज़ टाइप कीजिए और यूपी टाइप कीजिए। तो ये देखिए अपडेट नज़र आएगा, विंडोज़ अपडेट, इस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस अटैक को रोकने के लिए, यहाँ से आपको अपडेट करना पड़ेगा जो अटैक जो आपके पीसी में हो सकता है, उसे रोकथाम करने के लिए। ये देखिए ज़रूरी चीज़ें है, तो ये इस तरह से नज़र आएगा। चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक कीजिए और जो भी अपडेट आपको मिलने वाले हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स दिए जाएंगे, अपडेट हो जाएगा आपका पीसी और पूरी तरह से उस अटैक को रोकने के लिए काम करेगा। अब इसे अपडेट होने दीजिए, विंडोज़ अपडेट, ये चेक चेक फॉर अपडेट्स हो रहा है, तो इसे अपडेट होने दीजिए। और देखिए ये दोस्तों, अगर यहाँ पर रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन नहीं होगा, तो सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पे देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन ये दिखाई दे रहा है, इसे टर्न ऑन, ये मार्क ऐसा रहने देने दीजिए, तो ऑन रहेगा। अगर हटा दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये आप रियल टाइम प्रोटेक्शन का अर्थ ये है कि मतलब कोई भी अटैक
होता है, मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है MSBCL, मतलब कोई वायरस वाला सॉफ्टवेयर है, तो वो उसे ये माइक्रोसॉफ्ट SNTL जो विंडोज डिफेंडर है उसे रोक देगा रियल टाइम में, मतलब उसे प्रोटेक्ट करेगा उस अटैक से, और तुरंत ही आपको बताएगा कि इसे डिलीट कर दीजिए इस फाइल को, और वो आप उसे डिलीट कर देंगे। तो ये एक बात हो गई। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एडिशनल स्टेप्स टू कंसीडर। यहाँ पे लिखा गया है कि मतलब किसी भी मतलब फाइल को या किसी भी आपके ईमेल में कोई फाइल होगी, मतलब कि आपको लग रहा होगा सस्पिशियस है, उसे आप डाउनलोड ना करें तो ही अच्छा है। मतलब कोई भी मतलब आपको ईमेल लग रहा होगा कि ये बेकार है तो उसे डिलीट कर दीजिए आपके, क्योंकि ये अटैक है जो वो डायरेक्ट ही मतलब आप ईमेल खोलेंगे उसे कुछ डाउनलोड भी नहीं करेंगे, उस ईमेल में फाइल है उसे, वो ऑटोमेटिकली आपके नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर में अटैक करेगा। तो मतलब बहुत ही एडवांस ये सॉफ्टवेयर है वनाक्रिप्ट का, जो कि आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर वायरस अटैक करता है। तो इससे मतलब आप रोकथाम कर सकते हैं, ये दो तीन चीज़ें आप करिए। और ये देखिए कुछ अपडेट्स हैं, ये अपडेट्स आप डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको मेल आया होगा तो। ये दो तीन चीज़ें मतलब आप करेंगे, विंडोज़ डिफेंडर डाउन अपडेट कीजिए या फिर डाउनलोड कीजिए, अपडेट नहीं हो रहा होगा, और विंडोज़ अपडेट। तो यहाँ पे मतलब सर्च बॉक्स में आप टाइप करेंगे विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ डिफेंडर, या तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस अटैक को रोक सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये सिक्योरिटी मेजर्स अपडेट आए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।